तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद हम लोग नई वीडियो लेके आए हैं स्कॉलरशिप पे। तो स्कॉलरशिप पे आप सभी को पता होता है कि एक सभी की होप जुड़ी होती है, उम्मीद लगी होती है कि कौन हमें सही जानकारी देगा। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, हमारे स्कॉलरशिप के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग और जो स्कॉलरशिप की वेट कर रहे थे न्यूज़ के लिए कि क्या नया अपडेट है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप का जो अप्लाई डेट है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे करेक्शन डेट थी वो 20 नवंबर थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जिन बच्चों का रह गया या जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था, अब उनका एडमिशन हुआ है और इसके बाद वो अपनी स्कॉलरशिप कब तक भर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा था, तो मैंने उसी बाइक पे आज मैं खुद समाज कल्याण गया था और समाज कल्याण में जाके मैंने पता किया, क्योंकि समाज कल्याण से जो मेरा संपर्क है या जो मेरा कम्युनिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पुरानी वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ पे आप सभी ने देखा था जो हमारे पुराने व्यूवर्स थे कि हमने कैसे लाइव दिखाया था समाज कल्याण में जाके। समाज कल्याण में हमारा कैमरा चालू था कि वो किस तरह से रिजेक्ट फॉर्म को फिर से एक नया एडिट करके फिर से उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप भी हमारे साथ स्कॉलरशिप के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सटीक जानकारी पाना चाहते हैं, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या वहाँ से जानकारी मिली थी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहली बात बताना चाहूँगा आपको, ये मान लीजिए कि 100% आपका जो स्कॉलरशिप का नया डेट है रीअप्लाई वाला वो आएगा, और ये जो रीअप्लाई वाला नया डेट है ये आपका दिसंबर लास्ट 25 तक तो चलेगा ही चलेगा, मतलब 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसका कि करेक्शन डेट 5 से 10 जनवरी 2023 तक भी रखा जाएगा। मतलब कि सटीक जानकारी ये है कि 100% श्योर कि ये आपका रीअप्लाई होना शुरू है। पर अब रीअप्लाई होगा कब, ये सबसे बड़ी आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है। तो समस्या को खत्म करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट वीक में है वो अप्लाई डेट आ जाएगा दोस्तों, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप अप्लाई कर सकते हो अपने नए स्कॉलरशिप के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो बीएड का तीसरा चरण था उसकी जो लास्ट डेट थी वो स्कॉलरशिप के साथ मैच ही नहीं कर रही थी। दूसरी बात यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का जो वार्षिक परीक्षा का परिणाम था वो अभी कुछ ही दिन पहले आया है, इसलिए अभी थर्ड ईयर के बच्चों का ना एडमिशन हुआ है तो वो स्कॉलरशिप कहाँ से बने। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनके कि अभी तक एडमिशन ही नहीं हुए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 100% स्कॉलरशिप आएगा तो आएगा और वो आप अपना अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये गनीमत है कि आपको 18 से 25 दिन ही मिलेंगे, उसके बीच में ही आपको क्या क्या कर लेना है कि अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने सही तरीके से ढंग से रख लेना है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियोस मैंने आज से 3 महीने पहले ही बना दी थी और वो वीडियोस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी लगातार मिलती रहे, और जल्द ही अगले अपडेट के साथ आएंगे समाज कल्याण में, खुद जाकर आपको लाइव वीडियो बनाकर दिखाएंगे। जय हिंद।